बिग बैश लीग में कल को जो 24वां मुकाबला खेला जाना उसका पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, ड्रीम 11 टीम के लिए बल्लेबाज, ड्रीम 11 टीम के लिए गेंदबाज, मैच प्रेडिक्शन और पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों की, सारा कुछ लेकर आए आपके लिए इस वीडियो में। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं यार, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में, सारे वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपके शेयर करने में आपको सिर्फ एक मिनट लगता है। तो जेम काबला खेला जाएगा पर्थ स्कॉचर्स और होबर्ट हरिकेन्स टीम के बीच, और जेम काबला 5 जनवरी को पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा, और जेम काबला इंडियन समय के अनुसार शाम को 4:10 पे शुरू हो जाएगा। इससे पहले इस ग्राउंड पे बिग बैश लीग 2019-20 सीजन के, यानी कि इस सीजन के दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, और दोनों मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। और अगर बात करें पेस बनाम स्पिन की, तो यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने 23 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 14.39, इकोनॉमी रेट 8.83, स्पिनर गेंदबाजों ने यहां पर 6 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 23.0, इकोनॉमी रेट 7.21। तो मतलब साफ है, अगर देखें यहां पर विकेटें ज्यादा ली है तेज गेंदबाजों ने, स्ट्राइक रेट के मामले में तेज गेंदबाज बहुत बेहतर है, इकोनॉमी रेट के मामले में ही स्पिनर गेंदबाज थोड़ा सा आगे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो यहां पर तेज गेंदबाज बहुत असरदार रहते हैं, स्पिनर गेंदबाजों के लिए कुछ खास है नहीं इस पिच पे। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की, तो यहां पर एवरेज स्कोर है 167 रन, और सबसे बड़ा स्कोर बना 196 रन, सबसे कम स्कोर बना 126 रन, सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ है 174 रन। और अगर बात करें पावर प्ले के आंकड़ों की, तो पावर प्ले में इस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर है 46 रन 8 विकेट गिरे हैं। तो मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पे पावर प्ले में रन आसानी के साथ नहीं बनते हैं, विकेट ज्यादा गिरते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर बाउंड्रीज के बारे में, तो स्टेट और बैकवर्ड बाउंड्री 65 यार्ड की है, साइड बाउंड्री दोनों साइड पे 82.5 यार्ड की है। और अगर बात करें मौसम की, तो मैच के दिन मौसम रहेगा 33 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक क्लियर स्काई, कोई भी बारिश होने की शंका नहीं है। अब यहाँ पर टीम्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो पर्थ स्कॉचर टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पे है, उसने 5 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं। वहीं दूसरी ओर होबर्ट हरिकेन्स टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पे है, उसने पाँच मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं और 3 हारे हैं। अब आपको दिखाते हैं पर्थ स्कॉचर्स टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं मिचेल मार्श हैं कप्तान, और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं होबर्ट हरिकेन्स टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो बेन मैकडरमॉट हैं कप्तान और विकेटकीपर, और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज, मिचेल मार्श 145 रन, और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज, रेले 8 विकेट, क्रिस जॉर्डन 8 विकेट, जेम्स फोकनर 7 विकेट। और अब आपको दिखाते हैं पावर हिटर लियम लिविंगस्टोन, स्ट्राइक रेट 177.78। तो ये थे इनफॉर्म बल्लेबाज, इनफॉर्म गेंदबाज और पावर हिटर ड्रीम 11 टीम के लिए। और अब बारी मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला होबर्ट हरिकेन्स टीम जीतेगी। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।